डॉक्टर यश वेलंकर, मैं माइंडफुलनेस यानी कि साक्षी ध्यान सिखाता हूँ और उसका ऑनलाइन कोचिंग भी करता हूँ। माइंडफुलनेस यह ध्यान देने की कला है और यह कला अपना जो मन का कंफ्यूजन होता है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, यह करूँ या यह करूँ, इसके साथ जाऊँ या इसके साथ जाऊँ, यह शर्ट ले लूँ या दूसरा शर्ट ले लूँ, ऐसा जब कंफ्यूजन होता है तो उस समय भी यह माइंडफुलनेस उसकी प्रैक्टिस लाभदायी होती है। जो कंफ्यूजन का स्ट्रेस, यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी स्ट्रेसफुल होता है। लोग कहते हैं कि आधुनिक काल में स्ट्रेस बढ़ा है, उसका यही एक कारण है कि हमारे पुरखों पे स्ट्रेस कम था क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शन नहीं थे। कुमार का लड़का कुमार ही हो सकता था, अब कुमार का लड़का कुमार होने की आवश्यकता नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है, तो हमारे सामने बहुत से ऑप्शंस हैं। और इसके कारण जब जब हमें कोई चूज करना होता है, कोई चुनाव करना होता है, तो उसका स्ट्रेस आता है क्योंकि चुनाव हम करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं और भविष्य में क्या होगा यह हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जो कुछ हम चुनाव करेंगे वो अच्छा होगा या नहीं, ऐसे विचार मन में जो आते हैं उसके कारण ही स्ट्रेस आता है। तो ऐसा स्ट्रेस आना एक तो अच्छा है क्योंकि हम इंसान होने की एक सिम्टम है कि हम चूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमेशा हम ऐसे सोचते रहते हैं तो उसका बुरा असर भी होता है। तो इसीलिए जब आप डिसाइड नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, तो उस समय आप साक्षी होकर आपके मन में नोटिस कर सकते हैं कि मेरा मन इस समय कंफ्यूज है। ओके, अब ये कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि रिलेशनशिप किसके साथ बढ़ाऊं, इसके या इसके, या बढ़ाऊं या न बढ़ाऊं, इसका मन में डिसीजन नहीं हुआ है। तो यह एक अच्छी बात है कि आप इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर करते हो तो उस वक्त ऐसा सोचते ही नहीं, जो कुछ आता है मन में वो करते हैं। तो एक तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो ठीक है, मन कंफ्यूज है, अब जो कुछ डिफरेंट ऑप्शंस है वो आप हर एक ऑप्शन का अच्छा पॉइंट क्या होता है और बुरा उसकी क्या कीमत चुकाई जा सकती है इसकी लिस्ट कर सकते हैं। कोई भी रास्ते से जब आप यात्रा कर रहे हो और उस समय इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, ऐसा जब आपको डिसीजन करना पड़ता है उस समय भी यह कंफ्यूजन का तनाव होता है। तो उस समय इस रास्ते से अगर मैं गया तो क्या क्या हो सकता है इसका आप इमेजिन कर सकते हो और उसमें अच्छा क्या क्या हो सकता है और बुरा क्या क्या हो सकता है। तो हर एक डिसीजन के भी कोई ना कोई बुरे इफेक्ट हो सकते हैं। एवरी चॉइस हैज इट्स प्राइस। तो इस रास्ते से बुरे इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इस रास्ते में जो कुछ अच्छा मिल सकता था वो आपको नहीं मिलेगा। तो यह बात एक ध्यान में रखनी चाहिए कि हर एक डिसीजन के, हर एक चॉइस की कोई ना कोई कीमत भुगतानी पड़ती है और हम डिसीजन लेने में कोई हिचकिचाते हैं क्योंकि हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। हमें 100% सब कुछ परफेक्ट और अच्छा गारंटी वाला हम चाहते हैं और ऐसा होता नहीं है। वो जो कुछ गारंटी कहते हैं वो भी असल में गारंटी नहीं होती क्योंकि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो भविष्य का डिसीजन लेते हैं और वो प्रेडिक्शन है। तो कल क्या होगा हम नहीं अभी बता सकते, वो कोरोना कितना बढ़ेगा, कितने समय तक रहेगा, तो यह जो कुछ प्रेडिक्शन है वो गलत भी हो सकते हैं। तो डिसीजन लेने में हम जो कुछ हिचकिचाते हैं उसका एक कारण मैं गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा जो कुछ अपना इरेशनल बिलीफ है वही एक कारण है। तो अगर जब आपको वह डिसीजन करना है उस समय तक आप जो कुछ ऑप्शंस है उसके अच्छे और बुरे परिणाम, व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट कैन बी अ नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हो। और अगर 10 पर्याय है, 10 ऑप्शन है, तो वो कम कर सकते हो।
इसे हम शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं। तो 10 में से अब 5 ही चुन लो, 5 को साइड कर दो, और ये जो 5 है उसमें से 2 आखिरी 2 चुन लो, और उन 2 में से 1 चुनना है, और वो कल शाम को चुनना है, कल शाम को यह डिसीजन करना है। ओके, कल शाम तक मेरे मन में और कोई विचार आते हैं क्या, देखते रहेंगे, और अब वो जो डिसीजन लेना है उस पे विचार करते रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं विचार करता हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ तो मैं अपना ध्यान बार बार वर्तमान क्षण में ला सकता हूँ, जो माइंडफुलनेस का एक पहलू है। तो जब मैं ऐसा मैं वर्तमान में ध्यान लाता हूँ, मेरा मन कंफ्यूज है और उसका शरीर पे कोई असर हो रहा है क्या, वह देख सकता हूँ और उसको स्वीकार कर सकता हूँ। तो ये जो कंफ्यूजन का स्पेस है उसका शरीर पे जो कुछ बुरा असर होता है वो हम कम करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। तो ऐसा एक तो जब तक डिसीजन लेना है, जिस समय डिसीजन लेना है उस समय तक हम देखते रहेंगे, और डिसीजन के पहले 10 मिनट 15 मिनट फिर एक बार सोचेंगे, हाँ अब ये 2 ऑप्शन है और इसमें से 1 ऑप्शन को अब चुनना है, और हम चुनेंगे। और जब हम ऐसा कोई ऑप्शन जब डिसाइड करते हैं तो उस समय अपने कार को एक रिवर्स गियर होता है। जब हम रास्ता ढूंढते हैं और गलत रास्ते पे जाते हैं तो फिर से वापस आ सकते हैं। वैसे ही लाइफ में भी हर एक डिसीजन को हम पीछे आने का कोई ना कोई एक ऑप्शन रख सकते हैं। अगर इसमें कोई गलती होगी तो देखेंगे क्या होता है और रिवर्स कैसे आ सकते हैं। तो ऐसे अगर रिवर्स आने की हम कोई ना कोई सुविधा रख सकेंगे तो डिसीजन लेने का स्ट्रेस कोई बड़ा नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट का जो यह जो स्ट्रेस है वह कम करने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत ही लाभदायी है। आजकल बहुत से लोगों पे ये कॉन्फ्लिक्ट का स्ट्रेस होता है, करियर कौन सा करूँ, एजुकेशन कौन सा लूँ, करियर छोड़ूँ, खुद का बिजनेस करूँ, बहुत से ऑप्शन है। बहुत अच्छा, मेरे सामने बहुत से ऑप्शन है, अब मैं उसे शॉर्टलिस्ट करूँगा और 6 महीने में 1 ऑप्शन को चूज करूँगा। तो ऐसी यह जो स्किल है यह माइंडफुलनेस से बढ़ती है, और मैं उसके लिए ट्रेनिंग देता हूँ, कोचिंग करता हूँ। अगर आपको इस बारे में मुझसे संपर्क करना है तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, वहाँ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।